हुई है सर। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पटना में है सिविल कोर्ट में जो एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है सुशील मोदी जी की तरफ से जो दायर किया गया था, तो उसमें कल यानी 25 तारीख को पटना के कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने वहाँ ये कहा था कि उनको 25 तारीख को उपस्थित कराएंगे हम, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि अब एक नया फैसला चूँकि सूरत कोर्ट का आ गया है जिसमें कि राहुल गांधी जी को उसी अपराध के लिए सजा हो गई है, यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के MLA ने जो वहाँ मुकदमा दायर किया था गुजरात में सूरत में, उस केस में उनको बाजाब्ता ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें जो आज इन्होंने बहस रखी है अपनी, कि चूँकि एक कोर्ट से उन पर मुकदमा चल करके उनको सजा हो गई है तो संविधान के प्रावधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत क्या उन पर दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल चल सकता है या उनको सजा दी जा सकती है। तो इस पर मैंने कोर्ट से वक्त लिया है कि मैं कोर्ट को इसका जवाब दूंगा और पुनः ये मामला अब सुनवाई के लिए आएगा 15 मई को। कब जिस तक दिन राहुल गांधी का पेश होगा सर? या नहीं नहीं, कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी, निचली अदालत के की सुनवाई पर रोक लगा दी है कि जब तक अभी अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सूरत में जो फैसला आया था उसके बाद ये हियरिंग हुई सर, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पटना में है सिविल कोर्ट में जो एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है सुशील मोदी जी की तरफ से जो दायर किया गया था, तो उसमें कल यानी 25 तारीख को पटना के कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने वहाँ ये कहा था कि उनको 25 तारीख को उपस्थित कराएंगे हम, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि अब एक नया फैसला चूँकि सूरत कोर्ट का आ गया है जिसमें कि राहुल गांधी जी को उसी अपराध के लिए सजा हो गई है, यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के MLA ने जो वहाँ मुकदमा दायर किया था गुजरात में सूरत में, उस केस में उनको बाजाब्ता ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें जो आज इन्होंने बहस रखी है अपनी, कि चूँकि एक कोर्ट से उन पर मुकदमा चल करके उनको सजा हो गई है तो संविधान के प्रावधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत क्या उन पर दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल चल सकता है या उनको सजा दी जा सकती है। तो इस पर मैंने कोर्ट से वक्त लिया है कि मैं कोर्ट को इसका जवाब दूंगा और पुनः ये मामला अब सुनवाई के लिए आएगा 15 मई को। कब जिस तक दिन राहुल गांधी का पेश होगा सर? या नहीं नहीं, कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी, निचली अदालत के की सुनवाई पर रोक लगा दी है कि जब तक अभी अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सूरत में जो फैसला आया था उसके बाद